भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस रानी चटर्जी के लाखों चाहने वाले हैं। रानी हमेशा ही अपने खास अंदाज के कारण सुर्खियों में बने रहती है। रानी अपने फैंस के लिए अक्सर वीडियोज और फोटोज शेयर करती रहती है, जो फैंस को काफी पसंद भी आते हैं। अब इन दिनों रानी का एक नया वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में रानी अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बात करती हुई दिखाई दे रही है। रानी के इस वीडियो पर फैंस तरह तरह के कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रानी के फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि एक्ट्रेस कब और किससे शादी करेंगी, लेकिन रानी अपनी शादी की बात को आसानी से टाल जाती हैं। अब एक्ट्रेस का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक्टर अरविंद अकेला कल्लू के साथ वो नजर आ रही हैं और शादी को लेकर बात करती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, हाल ही में एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रानी फ्लाइट में बैठी नजर आ रही हैं और एक्ट्रेस के साथ भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला कल्लू और काजल राघवानी भी नजर आ रहे हैं। तीनों आपस में बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तभी कैमरे के आगे अरविंद से सवाल पूछा जाता है कि क्या रानी चटर्जी से शादी करना चाहते हैं। इस सवाल पर अरविंद पहले हंसते हैं, लेकिन फिर बाद में हाँ में जवाब देते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं कि कौन होगा जो रानी से शादी नहीं करना चाहेगा। अरविंद का ये जवाब सुनकर रानी शर्मा जाती हैं और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के तीनों नामचीन कलाकारों ने अपने फैंस के लिए ये फन वीडियो बनाया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। हम भी आपको वो वीडियो ज़रूर दिखाएंगे। आगे देखें इस रिपोर्ट में। शादी करिएगा रानी जी से? कौन नहीं करना चाहिए? कौन नहीं, अपना आंसर दो। अभी कुछ बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, अभी देखो इधर भी चल। मेरी स्माइल नहीं बता रही। अरविंद जी बोल रहे हैं स्माइल नहीं बता रही। अगली बार क्या जी हाँ, आपने देखी अभी ये वीडियो। रानी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस रानी की शादी के बारे में बात सुनकर खुश हो रहे हैं। जी हाँ, अब आपको बता दें कि रानी जल्द ही शादी करने वाली है। एक इंटरव्यू में रानी चटर्जी ने अपनी शादी को लेकर बात की थी। रानी ने कहा था कि हाँ, एक लव कम अरेंज मैरिज होगी। मैंने आखिरकार मनदीप बामरा के साथ अपने रिश्ते की घोषणा की है। इस रिश्ते को ऑफिशियल करने के पीछे हमारी फैमिली है। मैंने अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल किया और मुझे लगता है कि मेरे कई दोस्त इस बारे में नहीं जानते हैं। जी हाँ, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट नाइन भोजपुरी से। सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।